वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन गेट रॉकर्स चैनल आज हम लोग इस वीडियो में कंपास सर्वेइंग को डिस्कस करेंगे इससे पहले हम लोग सर्वेइंग के डेफिनेशन सर्वेइंग के टाइप्स एंड चेन सर्वेइंग को डिस्कस कर चुके हैं अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप इस वीडियो का पी चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सो so स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वेइंग के साथ कि कंपास सर्वेइंग में हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं जैसा कि मैंने चेन सर्वेइंग में बताया था चेन सर्वेइंग में हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं वहीं कंपास सर्वेइंग में हम एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स दोनों को करते हैं और एंगल को हम लोग कंपास की हेल्प से मेजर करते हैं और जो लेंथ होता है उसको मेजर हम लोग चेन या टेप की हेल्प से मेजर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि कंपास इज चूज टू से ट्रावर्स इन द फील्ड तो ट्रावर्स एक्चुअली क्या होता है ट्रावर्स इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रीट लाइंस कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग अ क्लोज और ओपन सिस्टम जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि चार सीरीज ऑफ स्ट्रीट लाइंस हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये क्लोज सिस्टम बना रहे हैं तो ये क्लोज ट्रावर्स हो जाएगा ऐसे ही ओपन भी हो सकता है तो उसको बोल सकते हैं ओपन ट्रावर्स नेक्स्ट मैंने नोट पॉइंट एक लिखा है जिसमें लिखा गया है चेन और कंपास सर्वेइंग में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इससे बनते हैं इसी कारण मैंने ये नोट पॉइंट लिखा है कि इन चेन सर्वेइंग हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स को करते हैं और ये स्मॉलर एरिया के लिए यूज होता है विद लेसर एक्यूरेसी वाइल कंपास सर्वेइंग इन्वॉल्व्स बोथ एंगुलर एंड द लीनियर मेजरमेंट्स एंड इट इज़ यूज फॉर लार्जर एरिया विथ हायर एक्यूरेसी तो ये दोनों में डिफरेंस होता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रावर्स की तो ट्रावर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है क्लोज ट्रावर्स दूसरा होता है ओपन ट्रावर्स तो कोई कुक बुक में ये दिया हुआ है कि क्लोज ट्रावर्स वो होते हैं कि अ सीरीज ऑफ स्ट्रीट लाइंस कनेक्टेड टुगेदर अगर एक क्लोज लूप फॉर्म करते हैं तो उसको क्लोज टावर्स बोलते हैं अगर एक ओपन लूप फॉर्म करते हैं तो उसको ओपन टावर्स बोलते हैं लेकिन कोई कोई बुक में यह दिया गया है कि क्लोज ट्रावर्स वो ट्रावर्स होते हैं जहां पे मेरे को एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का इन्फॉर्मेशन अगर नॉन होता है तो उसको हम लोग क्लोज ट्रावर्स बोलते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो फिगर बन रहा है वो क्लोज फिगर होना चाहिए या ओपन फिगर होना चाहिए जैसा कि स्केस में देखिए जो फिगर बन रहा है ये क्लोज फिगर बन रहा है तो इसको हम लोग क्लोज ट्रावर्स बोल सकते हैं दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेकिन इस फिगर को हम लोग क्लोज टावर्स नहीं बोल सकते हैं जो कि मैं पहला डेफिनेशन

नेक्स्ट बात करते हैं ओपन ट्रावर्स की तो ओपन ट्रावर्स जस्ट इसका उल्टा है अगर इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक एंड पॉइंट का नोन है मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट का नोन है इन्फॉर्मेशन और एंड पॉइंट का नोन नहीं है तो उसको बोलेंगे ओपन ट्रावर्स या एंड पॉइंट का नोन है स्टार्टिंग पॉइंट का नोन नहीं है तो उसको बोलेंगे ओपन ट्रावर्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिजमेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि इनके डिफरेंस से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसी कारण मैंने इनके डिफरेंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है तो फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो निडिल होता है प्रिजमेटिक कंपास में वो ब्रोड निडिल टाइप का होता है और जो सर्वेयर कंपास का निडिल होता है वो एज बार टाइप का होता है सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो प्रिजमेटिक कंपास में जो ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग होता है वो अटैच होता है निडिल के, के साथ और यहाँ पर अटैच होता है बॉक्स के साथ दूसरा पार्ट इसका जो पॉइंट का है वो है कि द रिंग डज नॉट रोटेट अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट और यहां पे क्या करता है कार्ड जो होता है वो रोटेट करता है अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ग्रेजुएशंस आर इन ग्रेव्ड इन्वर्टेड इन केस ऑफ प्रिजमेटिक कम्पास और सर्वेर कम्पास में जो होता है ग्रेजुएशंस आर इनग्रेव्ड इरेक्ट नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो ट्राइपोड मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड यहाँ पर ट्राईपोर्ड की ज़रूरत हो भी सकती मतलब यूज भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं होता मैंडेटरी नहीं होता लेकिन सर्वेयर कंपास में ट्राईपोर्ड जो होता है वो मैंडेटरी होता है डिफरेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये कि जो किजमेटिक कंपास में ग्रेजुएसन्स होता है वो होल सर्कल बियरिंग में होता है जिसमें कि जीरो डिग्री साउथ पे एज्यूम किया जाता है 90 डिग्री एज्यूम किया जाता है वेस्ट एंड पे 180 डिग्री एज्यूम किया जाता है नॉर्थ एंड पे एंड 270 डिग्री एट द ईस्ट और होल सर्कल बियरिंग को हम लोग एज्यूमिथल सिस्टम भी बोलते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जीरो डिग्री एट द साउथ है नाइन्टी डिग्री एट द वेस्ट है वन डिग्री एट द नॉर्थ है एंड टू डिग्री एट द ईस्ट है तो ये होता है होल सर्कल बियरिंग का वहीं अगर सर्वेयर कंपास की बात करें तो जो ग्रेजुएशन होते हैं वो क्वारेंटल बियरिंग सिस्टम में होते हैं हैविंग जीरो डिग्री एट द नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ एंड साउथ पे ये जीरो डिग्री मानता है और ईस्ट एंड वेस्ट आर इंटरचेंज नॉर्मली जो होता है ईस्ट किधर होता है इस साइड होता है ईस्ट इधर इस साइड होता है लेकिन यहां पे इंटरचेंज होता है ईस्ट को यहां ला दिया जाता है और वेस्ट को इधर लेके चला जाया जाता है किस केस में सर्वेयर कंपास uh, के केस में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन्स कैन बी डिफाइंड इन टू वेज एक तो रिलेटिव टू इच अदर मान लीजिए एक लाइन है इसके रिस्पेक्ट में आप उसके डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उस पोजी, उसके पोजीशन को रिलेटिव टू सम फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं और जो फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन होता है सर्वेइंग में उसको हम लोग मेरीडियन बोलते हैं तो अब बात नेक्स्ट बात करते हैं कि मेरीडियन के क्या क्या टाइप होते हैं तो बेसिकली मेरीडियन के दो बेसिक टाइप होते हैं एक होता है ट्रू मेरीडियन दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरेडियन तो ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन क्या होता है इट इज द लाइन ऑफ बाय ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड द ज्योग्राफिक साउथ एट दैट पॉइंट तो मान लीजिए ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है अर्थ का ये है ज्योग्राफिक साउथ तो इसको लाइन ऑफ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू मेरिडियन बोलते हैं और इसका ये खासियत होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है ट्रू नाम से ही क्लियर है ट्रू मेरिडियन मतलब ये सही का मेरिडियन है मतलब कि ये चेंज नहीं होता है विद पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मेरीडियन के बारे में मैग्नेटिक मेरीडियन क्या होता है कि इट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार और निडिल एट अ पॉइंट इन द absence ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड अदर than द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो और वहाँ पे जो बार या मैग्नेटिक बार जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वही होता है मैग्नेटिक meridian और इसका खासियत ये होता है कि इट changes विद द पैसेज ऑफ टाइम मान लीजिए ये आपका ट्रू नॉर्थ है ये है ट्रू साउथ और जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक शो कर रहा है वो बोल रहा है कि मैग्नेटिक नॉर्थ ये है और ये है मैग्नेटिक साउथ तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग डिक्लीनेशन एंगल बोलते हैं ये हम लोग आगे कवर करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं कि बियरिंग क्या होता है बियरिंग के अगर डेफिनेशन को देखिए तो बियरिंग इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन एंड द सर्वे लाइन फिक्स रेफरेंट डायरेक्शन और सर्वे लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग बियरिंग बोलते हैं बियरिंग को अगर क्लासीफाई करें तो दो टाइप का होता है एक होता है फोर बियरिंग दूसरा होता है बैक बियरिंग तो फोर बियरिंग क्या होता है फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजेंटल एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे जिस डायरेक्शन में अगर सर्वे हो रहा है उस डायरेक्शन में जो हम एंगल मेजर करते हैं वो फोर बियरिंग होता है और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो उसको बोलते हैं बैक बियरिंग तो इनसे क्वेश्चन ये आता है कि आपको फोर बियरिंग दे, दे देगा बोलेगा कि बैक बियरिंग तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस वन एटी डिग्री तो यहां पे कब पॉजिटिव होगा और कब माइनस होगा उसको हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं अगर फोर बियरिंग जो है अगर वन एटी डिग्री से कम है तो यहां पे पॉजिटिव लेंगे यहां पे पॉजिटिव लेंगे प्लस वन एटी कर देंगे अगर फोर बियरिंग ग्रेटर देन वन एटी डिग्री है मतलब फोर बियरिंग मान लीजिए तीन सौ डिग्री है तो तीन सौ डिग्री माइनस ऑफ वन एटी डिग्री करेंगे तो अगर ग्रेटर देन वन एटी डिग्री रहेगा तो माइनस साइन लेंगे अगर लेस देन वन एटी डिग्री रहेगा तो प्लस वन एटी कर देंगे तो यहाँ से बैक बेयरिंग कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फोर बेयरिंग दिया रहेगा तो बैक बेयरिंग निकाल लीजिए या बैक बेयरिंग दिया रहेगा तो आप फोर बेयरिंग निकाल सकते हैं नेक्स्ट हमने कुछ नोट पॉइंट लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी आए थे बीपीएससी में और इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि अगर आपको फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आपको दिया रहेगा और उससे आपको पूछेगा कि बैक बियरिंग बताइए तो उसको आप डायरेक्टली अपटेन कर सकते हैं कि नॉर्थ को आप क्या कीजिएगा कि साउथ से रिप्लेस कर दीजिएगा साउथ को नॉर्थ से रिप्लेस कर दीजिएगा ईस्ट को वेस्ट से रिप्लेस कर दीजिएगा और वेस्ट को ईस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं तो ऐसे आप डायरेक्टली फोर बियरिंग अगर क्वाड्रेंटल में क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में है तो उससे बैक बियरिंग डायरेक्टली ऑप्टेन कर सकते हैं तो ये शॉर्टकट है निकालने का जो कि मैंने नोट पॉइंट में लिखा है नेक्स्ट बात करें कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है तो इंक्लूडेड एंगल जो होता है इट इज द एंगल मेजर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन मान लीजिए यहाँ से आप सर्वे कर रहे हैं और यहाँ से आप सर्वे कर रहे हैं और ये आपका पहला लाइन था दूसरा लाइन ये है सर्वे लाइन तो ये इनिशियल लाइन था और नेक्स्ट लाइन क्या है ये है तो यहाँ से एंगल जो मेजर कीजिएगा ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल रहा है तो ये वाला जो होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा ये नहीं कि ये वाला इंक्लूडेड एंगल ये वाला गलत है इंक्लूडेड एंगल जो होगा ये वाला होगा और इंक्लूडेड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन और अगर निगेटिव आ रहा है इंक्लूडेड एंगल तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि थ्री सिक्सटी एड कर देते हैं सो दैट सो दैट की जो इंक्लूडेड एंगल है वो पॉजिटिव आ जाए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में जैसा कि आपको पता है जो अर्थ है वो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसके जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो दे रन फ्रॉम द साउथ एंड टू द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ और जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं वो परपेंडिकुलर एट द पोल्स होते हैं एंड पैरल एट द इक्वेटर होते हैं द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मैग्नेटिकल एंड द अर्थ सरफेस जो होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं और जो एंगल ऑफ डिप का वैल्यू होता है पोल्स पे वो 90 डिग्री होता है और जो इक्वेटर पे होता है एंगल ऑफ डिप वो जीरो डिग्री होता है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिक्लीनेशन के बारे में जो मैग्नेटिक डिक्लीनेशन एंगल होता है इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरीडियन एंड द ट्रू मेरीडियन मैंने पहले डिस्कस कर चुका है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और ट्रू मेरिडियन क्या होता है तो मान लीजिए ट्रू नॉर्थ है और ये जो मै है मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग डिक्लेनेशन एंगल डेल्टा बोलते हैं और ये है एंगल किस किस साइड में है वेस्ट साइड में है आपका किधर होता है ये ईस्ट होता है ये नॉर्थ होता है ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है तो आपका एंगल जो है ये इस वेस्ट साइड में है ना तो वेस्ट साइड में अगर एंगल होता है डिक्लीनेशन एंगल तो उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं अगर ईस्टवर्ड होता है डिक्लीनेशन एंगल तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये साइन कन्वेंशन होता है इनके साथ डिक्लीनेशन एंगल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइसोगोनिक लाइंस एंड एगोनिक लाइंस क्या होते हैं तो आइसोगोनिक लाइंस जैसा कि नेम से जिक्र कर रहा है आइसो आइसो मतलब क्या होता है इक्वल तो लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एट विच द डिक्लीनेशन एंगल इज सेम एट अ गिवेन पॉइंट ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन्स और एगोनिक लाइंस जो होता है वो स्पेशल केस ऑफ आइसोगोनिक लाइंस होता है यहां पे बोला गया है कि इक्वल डिक्लीनेशन एंगल तो इक्वल डिक्लीनेशन एंगल वो इक्वल डिक्लीनेशन एंगल अगर जीरो डिग्री हो तो वैसे हम लोग आइसोगोनिक लाइंस को एगोनिक लाइंस बोलते हैं तो दीज आर द स्पेशल केस ऑफ आइसोगोनिक लाइन्स विच पास थ्रू द जीरो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं होल सेल्कट बियरिंग एंड क्वाडेंटल बियरिंग सिस्टम के बारे में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पी के लिए क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं बीपीएससी पी में तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है समझना इस इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे उससे आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले होल सर्कल बियरिंग को हम लोग कवर uh, करते हैं जो होल सर्कल बियरिंग होता है उसमें जो भी एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं तो नॉर्थ पर हम लोग जीरो डिग्री एज्यूम कर लेते हैं ईस्ट कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री साउथ कितना हो जाएगा वन डिग्री और वेस्ट कितना हो जाएगा टू डिग्री तो कोई भी एंगल मान लीजिए सर्वे लाइन कुछ ये है तो इसका एंगल नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा हमेशा हम लोग एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं इन सर्वेइंग तो ये एंगल कितना हो जाएगा दो सौ अस्सी डिग्री है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है, जो होल सर्कल है उसमें एंगल लाई कर सकता है वो कहां से कहां तक कर सकता है जीरो डिग्री से थ्री सिक्सटी डिग्री के बीच में और ये हमेशा किस पे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट में वहीं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में हम लोग नॉर्थ और साउथ जो होता है उस पर दोनों पे हम लोग जीरो डिग्री एज्यूम करते हैं और ईस्ट जो होता है वो 90 डिग्री और वेस्ट पे होता है वो 90 डिग्री होता है और क्वारडेंटल बियरिंग सिस्टम में जो भी एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है इसी कारण मान लीजिए अगर फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सर्वे लाइन है तो उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे साउथ के रिस्पेक्ट में सो so दैट की जो एंगल आ रहा है वो एक्यूट हो तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं उससे ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा जैसे कि क्वेश्चन में ऐसे कुछ आएगा क्वेश्चन में कि आपका जो ओ ए लाइन है उसका होल सर्कल बियरिंग दिया गया है 210 डिग्री तो आपको बताना है कि उसका क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा तो अगर इसको हम क्वाड्रेंट में लोकेट करना चाहे होल सर्कल बियरिंग को तो 210 डिग्री नॉर्थ के रिस्पेक्ट में तो कुछ यहां हो जाएगा ओ ए लाइन कुछ यहां हो गया और तो ये साउथ के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री होगा ये तो वन डिग्री हो गया और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये वाला थर्टी डिग्री यहाँ से होगा साउथ के रिस्पेक्ट में और क्वार्डेंटल बियरिंग सिस्टम में इसी को हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा

तो सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से जैसे मन वैसे आप कर लीजिए और यहाँ पे नॉर्थ साउथ बना लेना है तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं तो कितना डिग्री है होल सर्कल बियरिंग ए बी का थर्टी डिग्री फिफ्टीन मिनट तो ये एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री फिफ्टीन मिनट फिर जो पॉइंट बी है उस पर भी हम लोग ऐसे कुछ बना लेंगे ये हो जाएगा नॉर्थ ये हो जाएगा नॉर्थ हो गया ये हो गया साउथ ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट तो बी सी जो लाइन है उसका जो होल सर्कल बियरिंग है वो है 120 डिग्री 45 मिनट तो नॉर्थ से 120 डिग्री 45 मिनट कितना होगा ये तो 90 डिग्री हो गया नॉर्थ से तो 120 डिग्री 45 मिनट कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ पे हम बनाए हुए हैं जो नॉर्थ से होगा ये 120 डिग्री 45 मिनट यहाँ पे आया बी सी तो बी सी यहाँ पे आ गया और इंक्लूडेड एंगल क्या होता है कि जो प्रीवियस लाइन था और नेक्स्ट लाइन के बीच में जो एंगल होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में वही इंक्लूडेड एंगल होता है तो प्रीवियस लाइन ये था और नेक्स्ट लाइन क्या है ये है तो इंक्लूडेड एंगल कुछ ये हो जाएगा तो अगर इसको ज्योमेट्री से देखें तो ये इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना है आपका? 120 डिग्री 45 मिनट प्लस यहाँ से यहाँ एंगल ये कितना है? 90 डिग्री तो प्लस 90 डिग्री यहाँ पे प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस ये वाला एंगल 90 माइनस थर्टी डिग्री 15 मिनट तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो एंगल आएगा वो आएगा 270 डिग्री 30 मिनट तो ये इंक्लूडेड एंगल हो गया तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से अगर आप इस होल सर्कल बियरिंग और क्वार्डेंटल बियरिंग के ज्योमेट्रिक को अगर आसानी से आप समझ लिए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आए इससे आप कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में भी आए थे और ऑब्जेक्टिव में भी आए थे इसको इस टाइप इस के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं Uh, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel for more such videos.